फ्रेंड्स जी फिटनेस यूट्यूब एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके का इंजन ऑयल आपकी बाइक में डलवाना चाहिए और क्यों कंपनी में जो कंपनी होती है वो क्यों रिकमेंड करती है डिफरेंट ग्रेड का इंजन ऑयल, ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आप अगर इंडियन मार्केट में जाएंगे तो आपको डिफरेंट कंपनियों के इंजन ऑयल मिलेंगे, मगर अधिकतर आप देखिएगा 20W40 नाम का इंजन ऑयल होता है, जो ग्रेड का इंजन ऑयल होता है वही सबसे ज़्यादा बिकता है। उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा, मगर हमको वो इंजन ऑयल नहीं डलवाना है। हमको पहले सर्विस मैनुअल या आप किसी स्पेशल मॉडल की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप सर्विस मैनुअल में जाकर वहाँ का ग्रेड आप पता कर सकते हैं, या आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं अपने बाइक में कि कौन सा इंजन ऑयल आपकी बाइक के लिए कौन से ग्रेड का डलता है। और दोस्तों जो ब्रांड है जो बहुत सारी उसको सेलेक्ट करने के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और चलिए वीडियो स्टार्ट करिए। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यू वीडियोस। फ्रेंड्स जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं यहाँ तीन ब्रांड के इंजन ऑयल रखे हुए हैं, सर्वो, कैस्ट्रोल, मोटोल। ये तीनों ब्रांड इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाले इंजन ऑयल हैं। और अगर हम बात करें सर्वो और कैस्ट्रोल की तो ये आपको छोटे छोटे विलेज और सिटी में ईजिली मिल जाएंगे, इसलिए इन तीन इंजन ऑयल को मैंने वीडियो में इंक्लूड किया है। अगर हम बात करें 100cc की बाइक की जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी में अवेलेबल है, और जनरली 125cc से नीचे की जो बाइक होती है 100 to 125cc की बाइक में 20W40 ग्रेड का इंजन ऑयल डलता है। इस कारण से आपको लोकल शॉप में 20W40 ग्रेड का इंजन ऑयल सबसे ज़्यादा मिलेगा। अब अगर हम बात करें स्कूटर की लाइक एक्टिवा, एक्सेस, जुपिटर की, तो वहाँ 10W30 ग्रेड का इंजन ऑयल डलता है, क्योंकि वहाँ ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो होता है इंजन का वह कम होता है, क्योंकि स्कूटर में क्लच ड्राई होता है प्लस जो गियर बॉक्स होता है वह अलग से इंजन ऑयल उसमें डलता है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो 20W50 ग्रेड के इंजन ऑयल की, तो ये 135cc से अबव जो बाइक होती हैं लाइक पल्सर और बुलेट और अदर न्यू बाइक जो नई अभी आई हुई हैं जो 135cc या 150cc से ज़्यादा cc की बाइक हैं, तो दोस्तों वहाँ पर आपको 20W50 ग्रेड का 1 लीटर और 1.1 लीटर का इंजन ऑयल डलता है। फ्रेंड्स आप यहाँ ब्रांड को कोई सी भी ले सकते हैं, बट आपको ग्रेड सेम रखना है। हर इंजन ऑयल के बैक साइड पे लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम सर्वो में देखें तो यहाँ पर ये चेंज ऑयल एज़ पर मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन हर इंजन ऑयल के पीछे लिखा होता है, और कई इंजन ऑयल में तो डायरेक्ट मॉडल सहित लिखा हुआ होता है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखना है कि वह आपके मॉडल को सूट करता है कि नहीं, क्योंकि अगर जिस बाइक के इंजन में थिन ऑयल डलता है और अगर आपने बिना ग्रेड देखे थिक ऑयल डाल दिया तो वहाँ इंजन का जो ऑयल पंप होता है वो ऑयल को पंप ही नहीं कर पाएगा, और ऑयल जहाँ पर फ्रिक्शन हो रहा है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, जिसके कारण वहाँ हीटिंग प्रॉब्लम, आपके इंजन में हीटिंग प्रॉब्लम आ सकती है, कंपोनेंट में फेल्यूर भी आ सकता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले सर्विस मैनुअल में जाकर जिस ग्रेड का ऑयल आपकी बाइक में डलता है वह देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करें तो ऑयल के तीन मेजर काम होते हैं, लुब्रिकेशन, कूलिंग एंड क्लीनिंग। अगर आप सिंथेटिक ऑयल लेते हैं, जैसे यहाँ पर सिंथेटिक ऑयल यह रखा हुआ है और ये सेमी सिंथेटिक ऑयल रखा हुआ है, यह ऑयल अपनी प्रॉपर्टी को ईजिली खोते नहीं है, यानी ये ज़्यादा टाइम तक अपनी प्रॉपर्टी को स्टोर करके रखते हैं अगर हम कंपेयर करते हैं मिनरल ऑयल से। तो इस वीडियो में सर्वो को इसलिए सस्ता है क्योंकि ये मिनरल बेस्ड ऑयल है, और ये जैसे मोटोल सेमी सिंथेटिक ऑयल है और कैस्ट्रोल फुली सिंथेटिक ऑयल है। सिंथेटिक ऑयल को मिनरल ऑयल से कंपेयर नहीं कर सकते, बट अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है और बाइक को हेल्दी भी रखना है तो आप सर्वो डला सकते हैं। कई बार इंजन ऑयल महंगा डलाने के कारण सर्विस डिले हो जाती है, क्योंकि सर्विस में ज़्यादा पैसे लगते हैं और हम लोग सैलरी का इंतज़ार करते रहते हैं, तो ऐसे में इंजन की जो हेल्थ होती है वो ख़राब होती जाती है कि जब सैलरी आएगी तब हम गाड़ी को ठीक करवाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, अगर आपके पैसे की प्रॉब्लम है तो आप सर्वो भी डलवा सकते हैं, ये भी इंजन ऑयल है। बस प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम ये ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट इनके कंपेयर में इसकी जो लाइफ है वो कम है, क्योंकि ये मिनरल बेस्ड ऑयल है और ज़्यादा इफेक्टिव भी इंजन ऑयल नहीं है। जैसे कि अगर आप लॉन्ग रन पर जा रहे हैं तो आपका इंजन में हीटिंग इशू हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप सर्वो नहीं डला सकते। पहले सर्वो भी था और कैस्ट्रोल था और मोटोल था, और सिंथेटिक टेक्नोलॉजी तब नहीं थी, तब मिनरल ऑयल ही इंजनों में डलते थे। तब सर्वो का अगर हम सर्वो की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया मिनरल बेस्ड ऑयल है, बट अगर आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कैस्ट्रोल और मोटोल ही, क्योंकि यह ऑयल आप ज़्यादा किलोमीटर तक चला सकते हैं और बाइक का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है।
अब अगर हम मेरे रिकमेंडेशन की अगर बात करते हैं तो दोस्तों मैं यहाँ पर 2 साल से सर्वो को डला रहा हूँ, क्योंकि अगर हम प्राइस की अगर बात करें तो ये 450 से 450 के आसपास इसका प्राइस होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 439 रुपीज़। तो और अगर इसी में अगर इसी का 20W50 ग्रेड का अगर हम सर्वो में जाते हैं इंजन ऑयल, तो वो हमको 180 के आसपास मिल जाता है लोकल शॉप में। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ये इंजन ऑयल को इस इंजन ऑयल की 2 बॉटल ले लेता हूँ 350 में, और उनको मैं क्या करता हूँ, जैसे ये इंजन ऑयल को अगर मैं 2500 से 3800 किलोमीटर तक चला रहा हूँ, तो ये इंजन ऑयल को मैं 1250 से 1400 किलोमीटर तक चलाकर इस इंजन ऑयल को चेंज करवा देता हूँ। इससे क्या हो रहा है दोस्तों, मुझे एडवांटेज यह मिलता है कि जो इंजन के अंदर जो स्लज जमा होता था, जो मेटल पार्टिकल, क्योंकि फ्रिक्शन होते हैं मेटल, उसमें आप देखेंगे तो छोटे छोटे मेटल होते हैं, वह सब दोस्तों क्लीनिंग हो जाती है, इंजन को फ्लश कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में इंजन की लाइफ और बढ़ जाती है। वहीं अगर हम इन ऑयल की अगर बात करें, तो जब आप इनको चेंज करवाएंगे तो आप देखेंगे कहीं स्लज और बहुत मेटल पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं, तो ऐसे में आपके इंजन हो सकता है कि किसी वो जो मेटल पार्टिकल है वह किसी भी क्लच की या क्लच प्लेट में आके फंस जाएं या कहीं पर आ जाएं, तो जिसके कारण क्या होता है वो स्क्रैच कर देते हैं इंजन के अंदर, और हो सकता है आपके पार्ट्स को कोई भी ऑयल सीलों को इफेक्ट कर दें, जिससे आपका ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम आ जाए इंजन ऑयल में। इस कारण को देखते हुए मैं दोस्तों सर्वो 2 साल से डला रहा हूँ, और अगर हम ज़्यादा किलोमीटर अगर हम रन कर लेते हैं गाड़ी की, तो स्मूदनेस की जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, वह इसमें अगर जैसे हम देखेंगे, अगर आप 1500 किलोमीटर के बाद अगर बाइक देखते हैं, क्योंकि जब नया इंजन ऑयल होता है तब तो परफॉर्मेंस इंजन का बेस्ट होता है, बट जब इंजन ऑयल ज़्यादा चला लेते हैं हम गाड़ी में, तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो स्मूदनेस इंजन की कम हो जाती है 1500 किलोमीटर के बाद। फिर हमको ये लगने लगता है कि बाइक सर्विस मांग रही है, हमको सर्विस करवाना है, तो हम ज़बरदस्ती इस इंजन ऑयल महंगा डलवाने के कारण हम ज़बरदस्ती उसका जो टाइम पीरियड है हम खींचते जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम दिन चला लें, ताकि हम नेक्स्ट मंथ या 2 महीने बाद हम इंजन ऑयल को चेंज करवा लें। मगर मैं ये सोचता हूँ दोस्तों कि इंजन की स्मूदनेस बने रहे और जल्दी से जल्दी मुझे इंजन की हेल्थ भी अच्छी रहे, तो जल्दी से जल्दी इंजन ऑयल में चेंज करा लूँ। जो इंजन ऑयल होता है दोस्तों, सेम ब्लड की तरह काम करता है बॉडी में, जैसे हम ब्लड काम करता है वैसे इंजन ऑयल बाइक के इंजन के अंदर काम करता है, तो इसको हम लोगों को नेगलेक्ट नहीं करना है। इसको हमको बिल्कुल अपनी इन्हें जो अपने प्रेफरेंस, जिसको भी आप ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, अगर आपको मनी प्रॉब्लम नहीं तो आप कैस्ट्रोल और मोटोल भी डाला सकते हैं, बट अगर उसी मनी में अगर आप मिनरल ऑयल पर भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इंजन ऑयल ख़राब है या कुछ लोग, क्योंकि बस दिक्कत ये होती है दोस्तों हमको कि लोग सही तरीके से नॉलेज अपना दे नहीं पाते हैं, और जो टेक्निकल पर्सन नहीं होते हैं वह देखते हैं यार ब्रांड अच्छी है, पैकेजिंग अच्छी है, और थोड़ा सा ऑफर भी, जैसे इसमें कूपन ऊपन मिल जाता है, तो ये आप डला लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको भी डला सकते हैं, इनको भी आप इनका कंपेयर तो इससे कर नहीं सकते, बट ये सिंथेटिक ऑयल है तो सिंथेटिक ऑयल। अब अगर हम बात करें ग्रेड क्यों चेंज हो रहा है, तो जैसा कि अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे 20W40 ग्रेड का है, 10W30 ग्रेड का है, और 20W50 ग्रेड का इंजन ऑयल रखा हुआ है। दोस्तों क्या होता है, जैसे इंजन अगर हम बाइक के इंजन और स्कूटर के इंजन का कंपेयर करें, तो बाइक का जो 100cc की बाइक होगी और 100cc की स्कूटर होगी, तो 100cc की स्कूटर में आपको क्लच और जो गियर बॉक्स होता है वह सेपरेट होता है, और ड्राई क्लच होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर ऑयल का इतना मेजर रोल प्ले नहीं होता है, बस वहाँ पर जो क्रैंक होती है उसको और पिस्टन जहाँ पर रेसिप्रोकेट करता है जिन्हें सिलेंडर के अंदर, वहाँ पर ऑयल की ज़रूरत होती है। ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स नहीं होते हैं उस इंजन में, क्योंकि वो बहुत सिंपल इंजन होता है स्कूटर का, इसलिए वहाँ पर ऑयल का ग्रेड जो होता है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन कम होता है इंजन में, और जिसके कारण हीट जो जनरेशन हो रही है वो कम होता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है वो कम होता है, इसलिए यहाँ पर लो ग्रेड का इंजन ऑयल आप देख रहे होंगे 10W30 और लिखा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें 100cc की एक मोटरसाइकिल की, जहाँ पर वेट क्लच होता है और गियर बॉक्स भी इंजन के अंदर अटैच होता है, तो वहाँ पर दोस्तों जो इंजन ऑयल को सब जगह लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना होता है, लाइक पिस्टन को भी लुब्रिकेट करना है, क्रैंक को भी, क्लच को भी, और अपनी जो गियर ट्रेन होती है उसको भी आपको लुब्रिकेट करना है, तो वहाँ हीट जनरेशन ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो होता है वह ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर 20W40 ग्रेड का इंजन ऑयल होता है। यहाँ अगर अब हम अगर बात करें, यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे ये 20W40 और 10W30 और 20W50 लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये विस्कोसिटी इंडेक्स होता है जो टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण चेंज होता है।
यहाँ W का मतलब विंटर होता है। अब मैं स्क्रीन पे एग्जांपल लिख दूंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि 20 क्या है और 40 क्या है। ऑयल में फ्रेंड्स लास्ट में हम बात करें तो यहाँ जब भी ऑयल लें तब ग्रेड के साथ आपको 40 देखना बहुत ज़रूरी है। कई अगर आप लोकल शॉप में देखेंगे वहाँ पर अगर आपको जैसे कि इस ऑयल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 20W50 लिखा हुआ है प्लस यहाँ पर 40 लिखा हुआ। इसमें भी दोस्तों अगर यहाँ देखेंगे तो आप 40 ज़रूर आपको लिखा है। क्या होता है 40 का 4-स्ट्रोक इंजन ऑयल के लिए होता है, बट लोकल शॉप में अगर जब यहाँ पर आप जैसे इस ऑयल की अगर बात करें जाएँ स्पेशली इस ऑयल की, तो यहाँ पर दोस्तों जब इस ग्रेड को आप लेने जाएंगे तो 20W50 लिखा होगा बट 40 नहीं लिखा होगा। वहाँ पर आप अगर सिम्बॉल भी देखेंगे तो बाइक की जगह आपको ऑटो या बस का सिम्बॉल मिलेगा क्योंकि वो CNG बस में भी डलता है और CNG ऑटो में भी डलता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखना है क्योंकि वह इंजन ऑयल जो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है CNG गाड़ियों के लिए, और अपनी जो गाड़ी होती है वो पेट्रोल बेस्ड इंजन ऑयल होता है, तो पेट्रोल बेस्ड इंजन होता है जिसके कारण हमको दोस्तों ये ज़रूरी है कि हमको देखना है ये 40, नहीं तो आप गलत इंजन ऑयल अपनी बाइक में डाल लेंगे। दोस्तों ये मेरे तरफ से जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी मैंने वीडियो में सब बता दिया है। अगर मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन छूट रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए और ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई देकर आपको सॉल्व कर सकूं वो प्रॉब्लम को। तो दोस्तों प्लीज़ अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।